आंटी कैसा लग रहा है इतना शॉपिंग करके? अरे बहुत हालत खराब है। दिले की मम्मी है, हालत तो खराब हो गई। देखे तो शुभम शकल, अभी इनका शॉपिंग करना है और इनका शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहा है अभी। हाँ, तीन बार से बढ़िया बढ़िया है ना, बिना किए ट्रोल कर लो मेरे को। नहीं किए हो? हेलो गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ और 2 महीने अपने ससुराल में रहने के बाद, यानी कि जमशेदपुर में रहने के बाद, मैं आ गई हूँ अपने मायके रायपुर। हम लोग फिलहाल तो है शादी की शॉपिंग पैकिंग और यही सब में बिजी। तो शादी किसकी नहीं है, मेरी तो हो गई है डेफिनेटली। तो सामने आंटी की है, यहाँ पे उनके बेटे निखिल की शादी है, तो बस उसी में बिजी हम लोग। और यहाँ पे है मेरे साथ पीहू। हेलो बोलो। तो फिलहाल कुछ कुछ सामान निकालना है और जाना भी आंटी के घर पैकिंग करने के लिए। सो गाइस स्टे ट्यून, पूरे शादी को कवर करने वाले हैं और बहुत ही बहुत ही बहुत ही मजा आएगा। तो शादी जो है वो यहाँ पे नहीं है, रायपुर में नहीं है, शादी है यूपी में। तो हम लोग ट्रेन से जाने वाले हैं यूपी, तो वो एक अलग एडवेंचर होगा। ये हम लोग बेचने निकले हैं अभी। बिजनेस कहाँ पे लगवा रहे हैं अंकल इसको? दुकान चौक पे लगा लेते ना अपने यहाँ। चौक यहाँ पे नहीं बिकेगा अंकल, गेट के सामने में बिकेगा पूरा। आंटी यहाँ परेशान है और इन लोग बिजनेस का आइडिया निकाल रहे हैं। अगर मान लो सब पे अगर 25% का मार्जिन पकड़ ले पापा, ओके कोई टेंशन नहीं, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। कितने में दे रहा शुभम? 150 रुपया देगा भगवान। आंटी लुटा दे गए तो दूल्हा। क्योंकि बोले। अब हम लोग खाना भी खा लेते हैं ना, मेरा प्लेट भरा हुआ है। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दुल्हन का बैग पैकिंग। चलिए शुरू करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। आंटी थोड़ी देर पहले नहीं आता, बैंगन में आप भी चले जाते हैं। बैंगन तो बोल ही दिए, मैं मम्मी बनेगी बैंगन, किस दिन बैंगनी और किस दिन पहन रहा हूँ मैं? बराती दिन, बराती दिन बैंगन बनेगी। टमाटर बैंगन सब बैंगन बैंगन बन रहा भाई। और अब शुरू हो गया दूल्हे का बैग पैक होना। और एक हमारी पार्टिसिपेंट आ गई है मैदान में, और एक पार्टिसिपेंट है जो चल वो पहन के घूमत रही से एक वो चली गई होगी। डिस्कशन चल रहा है कौन बचा है एक झन कार्ड के लिए। हाय गाइस, सो शादी की शॉपिंग और पैकिंग के बीच में मेरा एक राउंड मुंबई का भी हो गया, तो मैं मुंबई से घूम के आ चुकी हूँ आज। और आज हूँ मैं फुल रेडी। तो आज है आंटी के यहाँ पे हल्दी कूटने की रस्म, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं येलो येलो साड़ी पहन करके। तो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हम लोग क्या क्या मस्ती करते हैं और खूब डांस धमाल होने वाला है। तो बहुत ही नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, 4 महीने पहले मेरे घर में हो रहा था
मेरी शादी के लिए हल्दी कूटा जा रहा था और अब मैं जा रही हूँ हल्दी कूटने एज अ मैरी। यहाँ है लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। Thank you.
ये देखो क्या चाहिए पता चला कि क्या करोगे अरे बाप रे वो इतना खा रहे हैं तो देख के ही पता चल रहा है शरीर से मत बोला करो खाली देखो हम लोग का थाली में कितना काम तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बाकी की मस्ती देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय।